परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। कुछ ऐसे ही अपनी जिंदगी में कॉमन मैन से पॉपुलर स्टार बनने का सफर तय किया है करण मेहरा ने। तो आइए सुनाते हैं आपको एक्टर करण मेहरा की कहानी हमारी जुबानी। करण मेहरा का जन्म 10 सितंबर 1982 को पंजाब के जलंधर शहर में हुआ। इन्होंने अपनी स्कूल की शिक्षा जलंधर के स्कूल से प्राप्त की और इसके बाद दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से फैशन डिजाइनिंग के कोर्स की शुरुआत की और 4 साल इसमें शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा किया। इसके बाद वो अपने फैशन डिजाइनिंग के करियर को आगे बढ़ाने के लिए सपनों की नगरी मुंबई आए। इन्होंने यहाँ आकर डांस भी सीखा। करण का अब तक का करियर बहुत ही दिलचस्प रहा है। वो शुरुआत से ही फैशन डिजाइनर बनना चाहते थे लेकिन बाद में वो एक्टर बन गए। वास्तव में जब वो अपने फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के लिए मुंबई आए तब उनकी मुलाकात दो बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा और राजकुमार हिरानी से हुई। उन्होंने करण को एक्टर बनने का सुझाव दिया। करण ने उनके इस सुझाव को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपने करियर को नया मोड़ देते हुए राजकुमार हिरानी और राम गोपाल वर्मा के साथ उनके सहायक के रूप में कुछ बॉलीवुड फिल्म्स में भी काम किया। इसके बाद करण ने छोटे पर्दे का रुख किया। करण ने साल 2009 में टेलीविजन पर स्टार प्लस चैनल में प्रसारित होने वाला सबसे लोकप्रिय शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नैतिक सिंघानिया का रोल किया। ये लोगों को बहुत पसंद आया। लोगों के दिलों में करण की छवि संस्कारी बेटे की बन चुकी थी। इस शो के माध्यम से करण ज्यादा पॉपुलर हुए। इसके बाद उन्हें बहुत से अवार्ड भी मिले और लोगों ने इनके अभिनय को बहुत पसंद किया। इस शो को 7 साल करने के बाद करण कई टीवी शोज में नजर आए। वहीं रियलिटी शो की बात करें तो करण बिग बॉस 10 और नच बलिए 5 में नजर आए। नच बलिए में उनकी पत्नी निशा भी उनके साथ नजर आई थी। नच बलिए 5 में करण ने निशा के साथ पार्टिसिपेट किया था। करण और निशा की लव लाइफ की बात करें तो करण और निशा के प्यार की कहानी की सिर्फ फिल्मी कहानी से कम नहीं है। करण ने पहली बार निशा को फिल्म हंसते हंसते के सेट पर देखा था। इस दौरान करण उन्हें स्टाइल कर रहे थे। करण एक फैशन डिजाइनर के तौर पर काम करते थे। इस फिल्म में निशा रावल ने लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाया था। इसके बाद धीरे धीरे करण और निशा की मुलाकातें बढ़ी और धीरे धीरे दोनों को प्यार हो गया। एक दूसरे को प्रपोज करने के बाद दोनों ने करीब 6 साल तक एक दूसरे को डेट किया। लंबे अफेयर के बाद करण और निशा ने साल 2012 में शादी की थी। दोनों का बेटा है काविश जो 4 साल का है। अब करण और निशा के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ गई हैं जिसकी वजह से दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया है। करण की इस कहानी पर आपकी क्या राय है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।